सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये 2012 एग्ज़ाम का पेपर देख रहे हैं आप संस्कृत का। चलिए क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं फटाफट। आप ज़रूर अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखें, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन 2021 में आएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो हैं एग्ज़ाम में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही आएंगे। तो इसमें पहला जो खंड है क, इसमें अपठित अबोध है यानी कि एक गद्यांश आएगा, उसमें प्रथम अनुच्छेद अ पार्ट आएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके उत्तर यहाँ पे इन तरह से ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इनके आंसर्स देने हैं आपको। फिर इसके बाद में दूसरा अनुच्छेद आ पार्ट में आएगा, या आ पार्ट में देखिए दूसरा अनुच्छेद आया हुआ है, इसको भी पढ़ना है आपको और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद में जो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर्स देने हैं। ये चौथा पार्ट भी इसी क्वेश्चन का है। इसके बाद आ जाएगा खंड ख, इसमें रचनात्मक कार्य है जिसमें पत्र लेखन आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका ये जो है रिक्त स्थान इनको भरना है आपको। इनमें क्या क्या आएंगे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप उन ऑप्शन में से यहाँ पे भरना है आपको। उसके बाद संवाद लेखन आएगा, संवाद लेखन एक आएगा आपका, ये रहा इसके अंतर्गत ये संवाद जो कृष्ण अर्जुन में हो रहा है इसको आपको पूरा करना है। फिर चित्र वर्णन आता है क्वेश्चन आपका, चित्र को देख करके आपको लिखना है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे और जो चित्र है वो इस प्रकार का है, ठीक है। ये जो आप जू में जाएंगे तो जू में क्या देखेंगे उसके हिसाब से है। उसके बाद आपके पास अथवा में ऑप्शन आता है जो नेत्रहीन छात्रों के लिए होता है, तो वो उसके हिसाब से देखेंगे। खंड ग जो है ये व्याकरण का पार्ट आता है आपका, इसमें ये जो क्वेश्चन है इनके संधि विच्छेद किसी में किया गया है और किसी में करना है आपको, उसके आंसर लिखने हैं। और नीचे वाले क्वेश्चन में छठे क्वेश्चन में आपको समास विग्रह करके आंसर्स लिखने हैं। सातवें क्वेश्चन में आपको प्रत्ययों को अलग अलग करके आंसर को लिखने हैं। आठवें क्वेश्चन में आपको पांच सार्थक वाक्य इनको देख करके मिला करके आपको बनाने हैं। नौवे क्वेश्चन में आपको ये वार्तालाप है तो उसके अनुसार आपको इसमें क्या आएगा इसको भरना है। दसवां क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है इसको आपको टाइम को लिखना है संस्कृत में। ग्यारह क्वेश्चन है आपका इसमें जो संख्यावाचक है ये संख्या है इनको आपको लिखना है, दो को क्या बोलते हैं तीन को क्या बोलते हैं इस तरह से आपको। बारहवां क्वेश्चन है जो रेखांकित पद हैं इनको आपको शुद्ध करके लिखना है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य हैं इनको शुद्ध करना है आपको। खंड ख में घ में आपको पठित अबोध है जो आपके बुक से आएगा, एक अध्यांश आएगा, इसको पढ़ करके आपको आंसर्स देने हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आता है, उसमें भी आपको ऐसा ही आपको श्लोक आएगा या फिर गद्यांश आएगा, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसके आंसर्स सारे देने हैं। इसका ई पार्ट आएगा नाट्यांश, इस नाटक को आपको देखना है पढ़ना है और सभी के उत्तर आपको पूरे तरह से लिख देने हैं। चौदहवां क्वेश्चन जो आएगा इसमें उपयुक्त पदों से इनको पूरा करना है,
आठवां पार्ट भी ऐसा ही है इसका। 15वें क्वेश्चन में आपको अवयव जो हैं इनको पूरा करके उत्तर लिखना है। ये अवयव है, अब यहाँ पे आपको उत्तर उसके लिखने हैं। खंड ख है, उसके जो अन्वय हैं वो भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। 16 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में जो रेखांकित पद हैं इन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। 17वें क्वेश्चन में आपको घटनाक्रम के अनुसार इसको पूर्णा लिखना है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं तो इसमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, ये ऊपर नीचे लिखे होंगे, आपको सही लिखना है। कभी कभी ये बिल्कुल सही भी दे देता है, आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना होता है तो आपको ध्यान भी रखना है, कभी कभी एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ भी बनाता है। यहाँ पे जो प्रसंग हैं इनके प्रसंग के शुद्ध उत्तर जो हैं ऑप्शन हैं उनमें से आपको लिखने हैं छांट करके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, और इसकी जो PDF फाइल है अगर आप चाहते हैं इसका फाइल को लेना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।